Bismillahirrahmanirrahim. I am Usman Habib and you are watching YouTube channel Muhammad Ahmed Nazir. Dear students, kal hum logon ne atomic structure start kiya tha. Aaj hum atomic structure ke usi topic ko mazid aage badhayenge aur usme dekhenge kaun kaun se MCQs ban sakte hain. Yaad rakhiyega ye chapter bahut hi important hai. आप किसी भी तरह का एग्जाम दोगे, ईटा हो, एमडी कैट हो, ई कैट हो, तो इसलिए आप लोग अगर प्रॉपर ऑथेंटिक तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्टर करें. और आप लोगों से तमाम सब्जेक्ट की 5000 फी चार्ज की जा रही है और ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोग इतना कोर्स कवर कर रहे हो और इतने तैयारी के साथ और ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन के साथ और प्रिपरेशन के साथ आप इसको आगे जाओगे लेके एंड करोगे. और चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं वही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां से हम लोगों ने एंड किया था. तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने कल ये बात पढ़ी थी कि जो सेकंड केस था हमारा जिसमें हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोड्स लिए थे और उन इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था. हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जब कनेक्ट किया गया तो 5000 से लेकर 10000 वोल्टेज की जब इसको प्रोवाइड की गई तो उस पर हमें यहाँ पर एक ग्लोब प्रोड्यूस होता हुआ नजर आया और वो ग्लोब हमें ऐसा नजर आया कि जैसे कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं और वो एनोड में एंटर हो रही हैं. और यहां से परफोरेटेड एनोड से गुजरती हुई फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रही है. जब ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो वहां से हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्राइक किया है. इसीलिए इनको हम लोग कैथोड रेज कहते हैं, क्योंकि ये जो कैथोड रेज होती है ये रेज कैथोड से निकलती हैं और एनोड पे आकर स्ट्राइक करती हैं. इसी तरह अब इन कैथोड रेज की हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की ऊपर बात करते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज ऐसी रेज होती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं, कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है दीज रेज आर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड रेज होती हैं. ये नेगेटिवली चार्ज रेज होती हैं ये किसने बताया, ये हमें जे प्रीम और जे जे थॉम्सन. जब जे जे थॉम्सन और जे प्रीम ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज के ऊपर जो होता है चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है. कैसे इनके ऊपर पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज होता है? अब जब इन रेज को हम लोग पास करेंगे, जे जे थॉम्सन ने, जे प्रीम ने इन रेज को पास करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड से. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है. जैसे ही इन रेज को पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड से, अब क्योंकि इन रेज बेसिकली ये कैथोड रेज, ये रेज नहीं है, बेसिकली जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था वो या तो हाई स्पीड चार्ज की वजह से हमें वो ग्लो नजर आ रहा था या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से नजर आ रहा था. अब ये रेज बेसिकली रेज नहीं है बल्कि ये तो पार्टिकल्स हैं और वो कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाएंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी, डिफ्लेक्शन शो करेंगी. क्यों? कि इन रेज के अंदर पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जे प्रीम ने और जे जे थॉम्सन ने किया था. इसके बाद
कि थर्ड रेज की जो प्रॉपर्टीज में सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करती हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो होती है, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो होती है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो होती है, और ये एक्सपेरिमेंट भी जे थॉम्सन ने किया था, कि मैग्नेटिक फील्ड में जब, अब मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी भी चार्ज पार्टिकल जाता है, चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वहां पर वो डिफ्लेक्ट होता है। अगर न्यूट्रल पार्टिकल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वो उसमें क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, सर्कुलर पाथ पे जाएगा, डिफ्लेक्शन करेगा, मीन कि अपने पाथ से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड में से इन रेज को पास किया गया तो वहां पर भी डिफ्लेक्शन शो हुई, और उसके बाद इन पार्टी, ये जो कैथोड रेज थी, इन रेज की जो मेटीरियल नेचर थी, मेटीरियल नेचर मीन कि ये पार्टिकल्स है। अब सर विलियम क्रूक्स जो थे, उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उनमें कैथोड रेज को प्रोड्यूस करवाया। जैसे ही कैथोड रेज को प्रोड्यूस करवाया और उन कैथोड रेज के सामने एक पेडल व्हील लगा लिया, जब कैथोड रेज स्ट्राइक की उस पेडल व्हील के ऊपर तो वो क्या करना शुरू हो गया, रोटेट होना शुरू हो गया। इट्स मीन कि जब पार्टिकल्स को आप पेडल व्हील के ऊपर स्ट्राइक करवाते हो तो वहां पर क्या होता है, रोटेशन काज होती है। इट्स मीन कि ये रेज तो नहीं है, ये तो पार्टिकल्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक मैस है और इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो इट्स मीन कि जो मेटीरियल नेचर है, इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सर विलियम क्रूक्स ने किया था। अब आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एमसीक्यूज यहां से कैसे बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि नेगेटिव चार्ज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंक्लूडेड बाय जेप्रीन एंड जे थॉम्सन। आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है कि इन साइंटिस्ट ने कौन सी नेचर को एक्सप्लेन किया कैथोड रेज की। यहां पर आप जे थॉम्सन का नाम लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया, और सर विलियम क्रूक्स ने मेटीरियल नेचर को भी बताया कि ये जो कैथोड रेज होती हैं, बेसिकली इनके अंदर पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ मैस है, और वो मैस जब पेडल व्हील के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वहां पर रोटेशन काज होती है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड में कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। अब जो कैथोड रेज है, बेसिकली ये रेज नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब भी एटम्स के ऊपर फॉल करेंगे, ये एटम्स हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर फॉल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जब ये एटम के ऊपर जाकर गायब हो जाएंगे, मीन कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया एटम्स ने, जब एटम्स ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो इट्स मीन रिडक्शन हुई। तो यहां पर जो ये रेज होती है, ये रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती है, इसी तरह जो कैथोड रेज होती है ये ऐसी रेज होती है जो कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होती है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड से पास होती हैं तो सर्कुलर पाथ गेन कर लेती हैं, और इसी तरह इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। अब अगर हम लोग चार्ज टू मास रेशो की बात करें इन रेज की, कि जो कैथोड रेज होती हैं इनकी चार्ज को इसे रिप्रेजेंट करेंगे टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज क्या होगी, चार्ज टू मास रेशो को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला लिख लेता हूं मैं यहां पे कि e डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r।
यहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और यहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। कैथोड रेस जिस पाथ पर डिफ्लेक्ट करेंगी उसको रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन आर रेडियस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब चार्ज टू मैस रेशो ऑफ कैथोड रेस फाइंड की गई, मीन कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मैस रेशो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मैस रेशो जब फाइंड किया गया तो उसकी जो वैल्यू आई वो थी 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू आ चुकी है चार्ज टू मास रेशो। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो बाद में पूछी जाती है कि जो कैथोड रेज होती हैं उनकी चार्ज टू मास रेशो क्या गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। कैसे, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई है अगर वो हाइड्रोजन हो, अगर वो हीलियम हो, अगर वो नियॉन हो, वो कोई भी गैस हो, तमाम गैस के जो वैलेंस शेल से आने वाले पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम है। अगर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर उसके ऊपर भी चार्ज और मैस सेम है। हीलियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर भी मैस और चार्ज सेम है। नियॉन के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का मैस और चार्ज सेम है। इसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, कि नेचर ऑफ गैस के ऊपर ये चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड नहीं करती कैथोड रेज के केस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये चार्ज टू मास रेशियो जो है, अब यहां पे एमसीक्यूज क्या बन सकता है, एक तो आप नेचर के हवाले से बाद दफा आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेस। ऑप्शन है रिड्यूसिंग इफेक्ट, ऑप्शन बी मटेरियल नेचर, ऑप्शन सी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन यहां पर लगाएंगे। इसी तरह बाद दफा आपसे पूछ लिया जाता है दी चार्ज टू मैस रेशो ऑफ द कैथोड रेस, कि चार्ज टू मैस रेशो जो कैथोड रेस की वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन ए में आपको दे सकता है, ऑप्शन ए यहां पे लिख दिया गया। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं चार्ज टू मैस रेशो इज इक्वल टू, चार्ज टू मैस रेशो इज इक्वल टू 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11। अब ये किलो किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, किलोग्राम ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 11 में से आप 3 माइनस करेंगे तो यहां पे रह जाएगा 8 कूलम पर ग्राम हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चार्ज टू मैस रेशियो विल बी इक्वल टू 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब ग्राम को अगर मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 10 की पावर 8 कूलम डिवाइडेड बाय 1000 मिलीग्राम, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। अब 1000 ऊपर जाएगा तो 8 में से फिर पावर 3 लेस हो जाएगी, 1000 मीन 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी, 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो बनेगी क्या वैल्यू, इज इक्वल टू 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 में से 3 गायब करो कितना हो जाएगा, 5, तो यहां पर रह जाएगा 5 कूलम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। तो आपका आंसर आ गया ग्राम में भी और मिलीग्राम में भी। तो बाद में आपका एमसीक्यूज होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दे दिया जाए, ऑल ऑफ दीज
तो ऑल दीज आर दी वैल्यूज ऑफ चार टू मैस रेशियो, ये सारी की सारी चार टू मैस रेशियो की वैल्यूज है। और एक पॉइंट याद रखना जो मैंने बता दिया आपको कि चार टू मैस रेशियो के थर्ड रेस के गैस में गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। आप हाइड्रोजन गैस लोगे फिर भी चार टू मैस रेशियो वैल्यू यही होगी, हीलियम गैस लोगे यही होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो तमाम गैसेस के सेम ही हैं, तमाम गैसेस से वैलेंस शेल से आने वाला इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, उसके ऊपर चार्ज सेम है, उसके ऊपर मैस सेम है। इस वजह से चार टू मैस रेशियो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। अब कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये जो कैथोड रेस थी उस वक्त तो इनको रेस की फॉर्म में देखा गया, लेकिन जब मॉडर्न रिसर्च की गई इसके ऊपर तो फिर पता चला ये रेज नहीं है, ये तो पार्टिकल्स हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज में, अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज में भी कुछ एमसीक्यूज होते हैं। अब जो पॉइंट मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से हर एक पॉइंट आपका एक एमसीक्यूज होता है। और अपने आप को स्ट्रेंथन करें, फार्मूलाज सीखें, ट्रिक्स सीखें, कि बाद दफा आप टेस्ट में बैठते हैं तो वहां पर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको 5 मिनट में सॉल्व करते हैं। तीन तरह के वहां पे बच्चे होते हैं, बाज होते हैं जिनको एमसीक्यूज सॉल्व करना नहीं आता या उनकी प्रिपरेशन नहीं होती, एक दूसरा बच्चा होता है जिसने प्रिपरेशन तो की होती है यानी उसने ट्रिक्स नहीं सीखी होती तो वो क्या करता है टाइम ज्यादा लगाता है जो उसके रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट। फिर तीसरा एक बच्चा है जिसने ट्रिक्स सीखी हुई है जो 5 मिनट के सवाल को, जो 5 या 20 सेकंड के सवाल को वो 5 सेकंड में सॉल्व करता है क्योंकि उसने ट्रिक्स सीखी हुई है। तो ट्रिक्स से अपने आप को क्या करो और स्किलफुल बनो, फिर जब आप टेस्ट में जाओगे तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने देखना है इसको। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहली बात यह है, इलेक्ट्रॉन बाद ऑफ एमसीक्यूज होता है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे जे जे थॉमसन थे। अगर आपको सवाल ऐसे आए कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब ये जो वर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वर्ड किसने दिया, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेम इलेक्ट्रॉन, जो नेम इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का जो नेम है, ये एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जी जे स्टोने, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो किस साइंटिस्ट ने मेजर किया और कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ वहां पर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड बाय आर ए मिलिकेन, आर ए मिलिकेन, आर ए मिलिकेन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मेजर किया। और इस चार्ज को जब उसने मेजर किया तो वो कितना था और कौन से एक्सपेरिमेंट मेजर किया, इसको कहते हैं मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसका चार्ज मेजर किया गया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो कितना होता है, यार इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो बराबर होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम।
अब ये जो मैस है, अगर आप इसको एमयू में लिखना चाहते हो तो ये आप एमयू में भी लिख सकते हो, 0.0055 AMU इसका मैस होता है। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं कि यहां पर किलोग्राम में वैल्यू दी हुई है, तो आप इस किलोग्राम को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप ग्राम से मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाज दफा जो आपको एमसीक्यूज दिया होता है उसमें किलोग्राम में भी वैल्यू होती है, ग्राम में भी होती है, मिलीग्राम में भी होती है, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया होता है, तो वहां पर ऑल ऑफ दीज का लगाना पड़ेगा। वैसे जब भी आपको एमसीक्यूज दिया जाता है तो अगर एमसीक्यूज में ऑल ऑफ दीज का वहां पे ऑप्शन हो तो 60-70% चांसेस है कि वहां पे ऑल ऑफ दीज का ही जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो अब ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको आपने देखना है कि इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है और इसका नाम इलेक्ट्रॉन जे स्टोने ने रखा है और इसकी ऊपर चार्ज आर एम मिलिकन ने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया और इसका जो मैस एम यू में है 0.0055 AMU है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मोहम्मद अहमद नजीर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें कि आप लोगों का एक एक दिन बहुत ही कीमती दिन है। इसलिए अभी स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, बल्कि डायरेक्ट प्रोटॉन को नहीं डिस्कवर किया गया, वहां पर डायरेक्ट आपको प्रोटॉन का लफ्ज नहीं मिलेगा, आपको वहां पर किनार रेज मिलेगी। यहां पर जो कुछ रेज डिस्कवर हुई थी, जैसे आपके पास कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, यहां पर किनार रेज डिस्कवर हुई थी, या इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको हम लोग एनोड रेज कह सकते हैं, इनको हम लोग एनोड रेज कह सकते हैं, किनार रेज और एनोड रेज। अब इनको किनार रेज क्यों कहते हैं ये भी आपको बताऊंगा, इनको एनोड रेज क्यों कहते हैं ये भी आपको बताना है। तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था ये भी मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करके किया गया, इसमें भी मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब यूज की गई, मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब। मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें आप इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा ऐसे बना सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब में आप लोगों ने यहां पर इलेक्ट्रोड लगा लिए और इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब यहां पर जो आपने लिखा है, यहां पर आपने रखना है कैथोड को और यहां पर आपने रखना है एनोड को। अब इसमें यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया गया, वैक्यूम पंप इस वजह से लगा दिया गया ताकि हम डिजायर्ड प्रेशर को देख सकें, डिजायर्ड प्रेशर मेंटेन कर सकें। जब इसमें आप गैस को फिल करेंगे और गैस को फिल करने के बाद बैटरी से हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, जब इस के ऊपर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो जो गैस होगी, अब यहां पर अगेन
कैथोड रेज भी प्रोड्यूस होंगी और एनोड रेज भी प्रोड्यूस होंगी। लेकिन जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने यहां पर कुछ ऐसी रेज को ऑब्जर्व किया जो कि उसे दिखाई दी, एनोड से निकलती हुई दिखाई दी और वो कैथोड पे जाके स्ट्राइक कर रही थी और फिर उसके बाद फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करती हुई दिखाई दी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जहां पर पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं और वहां पर एक्साइटेशन की वजह से ग्लो प्रोड्यूस होता है। इन रेज को एनोड रेज इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये एनोड से निकलती हैं और यहां पर कैथोड को परफोरेटेड बनाया गया। कैथोड परफोरेटेड होने का मतलब क्या है कि इसमें स्मॉल होल्स बना दिए गए थे, इन स्मॉल होल्स से ये रेज पास हुई और पास होने के बाद इस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रही। अब उस वक्त ये रेज नजर आई, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड के साथ मूव करेगा तो वो आपको लाइट की फॉर्म में नजर आएगा। तो ये जो रेज थी ये गोल्डस्टीन को एनोड से निकलती हुई नजर आ रही थी कैथोड की तरफ आते हुए, तो इसीलिए इनको एनोड रेज कहते हैं। अब क्योंकि ये कैथोड के किनाल से पास होकर निकलती है जाती है, इसी वजह से इनको बोलते हैं किनाल रेज भी बोलते हैं। अब जो आप लोगों ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एनोड रेज के अंदर भी है। कि जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज क्या हो सकती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से इन रेज को पास किया जाएगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन होगी या पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि अब ये रेज बेसिकली ये रेज नहीं है, बेसिकली यहां पर जो गैस आप लोगों ने फिल करवाई हुई थी वहां पर उस गैस के अंदर कुछ ना कुछ एटम्स थे। अब एटम्स के जो वैलेंस शेल है उनमें से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो गैस आयोनाइज हो जाएगी और उस गैस के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो जैसे ही अट्रैक्शन लगेगी तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सीधे कैथोड से पास होते हुए स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करेंगे। तो अब अगर यहां पर आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ और प्रोटॉन होंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बाकी एलिमेंट से। अगर यहां पर आप लोगों ने हीलियम गैस को भर दिया है तो उसके प्रोटॉन कुछ और होंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से डिफरेंट है। तो इसी वजह से यहां पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज है वहां पर हम जब चार टू मैस रेशियो की बात करते हैं, चार टू मैस रेशियो की बात करते हैं तो चार टू मैस रेशियो गैस की नेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जो एनोड रेज है वो बेसिकली किसी भी गैस के एटम का न्यूक्लियस है, मीन कि उसका प्रोटॉन्स है। तो हाइड्रोजन गैस के पास प्रोटॉन की तादाद कुछ और है, हीलियम के पास प्रोटॉन की तादाद कुछ और है, तो जो चार्ज टू मैस रेशियो दोनों का निकल के आएगा वो डिफरेंट आएगा। इसलिए यहां पर गैस की नेचर पे चार टू मैस रेशियो डिपेंड करेगी। तो अब अगर हम यहां चार टू मैस रेशियो देखें वो कितनी होती है, वो होती है 954 कूलम पर मिलीग्राम। अब आप कहेंगे हम लोगों ने तो जो बुक में या सिलेबस में ये वैल्यू तो नहीं पढ़ी, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कन्वर्जन आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज को भी आसानी से ट्रैकल कर सकते हो। अब यहां पर इस मिलीग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हो वापस ग्राम में। वापस ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां पर है 954 कूलम डिवाइडेड बाय अब मिलीग्राम। जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट यानी मिलीग्राम से आप ग्राम में जा रहे हो, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो डिवाइड करोगे, तो यहां पर मैं ग्राम लगा लूंगा और डिवाइड बाय 1000 लिख लूंगा 10^3 जो कि ऊपर चले जाएगी टॉप पे और बन जाएगा क्या, 954 मल्टीप्लाई बाय 10^3 कूलम डिवाइड बाय ग्राम। अब इस वैल्यू को अब ग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम में, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 10^3 से। अगेन 10^3 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो 10^3 यहां पे जब डिवाइड होगा क्योंकि आपने किलोग्राम में जाना है तो 954।
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कूलम डिवाइड बाय किलोग्राम। तो अब ये हो जाएगा 954 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 कूलम पर किलोग्राम। अब अगर यहां पे पॉइंट है तो आप इस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो, टू डिजिट्स आपने पॉइंट शिफ्ट किया तो ये आंसर आ गया 9.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्योंकि टू डिजिट आपने शिफ्ट किया तो 10 की पावर 2 लगाएंगे, ऑलरेडी 10 की पावर 9 यहां पे मौजूद है तो कूलम पर किलोग्राम आंसर आ गया। आप यहां से फिर आंसर निकाल सकते हैं 9.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। इन वैल्यूज को जस्ट सॉल्व करने का मकसद यही है कि जब आपको 4 टू मास रेशियो वहां पर एमसीक्यूज में गिवन होगा तो वो मिलीग्राम में भी लिख सकता है, वो ग्राम में भी लिख सकता है, वो किलोग्राम में भी लिख सकता है, फिर वहां पे आपका ऑप्शन सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। या बाद दफा वो वैल्यू गलत कर देता है, पॉइंट की शिफ्टिंग में गलती कर लेता है, ये पावर ठीक नहीं लिखता, तो फिर उस हिसाब से आप लोगों ने उसको क्लिक करना है। तो चार टू मैस रेशो गैस की नेचर पे डिपेंड करेगी। इसी तरह अगर एनोड रेस को पास किया जाए इलेक्ट्रिकल फील्ड से, अब क्योंकि एनोड रेस बेसिकली रेस तो नहीं है, ये तो पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल हैं? ये तो प्रोटॉन्स हैं। अगर हाइड्रोजन गैस के केस में देखा जाए तो प्योर प्रोटॉन है। क्यों? कि अगर यहां पे आप हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो तो प्लस वन चार्ज होगा, यानी एक प्रोटॉन ही बचेगा। दूसरे लफ्जों में आप लोगों ने जब लोरी-ब्रॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें भी आप यही कहते थे कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देगा और बेस वो होती है जो प्रोटॉन लेगा। तो प्रोटॉन क्या है? H प्लस वन का नाम ही प्रोटॉन है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बाकी एक प्रोटॉन ही बच गया। तो अब इस प्रोटॉन, यानी यही है एक प्रोटॉन है। अब इसका चार्ज मास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा? इसमें चार्ज टू मास रेशियो जो ज्यादा होगा वो हाइड्रोजन का होगा, मैक्सिमम होगा हाइड्रोजन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि चार्ज टू मास रेशियो कौन सी गैस के लिए ज्यादा है, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, नियॉन के लिए, नॉट एनीवन आर इक्वल। तो हाइड्रोजन के लिए चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम होगा। अब प्रॉपर्टीज में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रेज को पास करें तो ये कौन सी प्लेट की तरफ मूव करेगी? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड से जब इस पार्टिकल को पास करेंगे तो वहां पर भी क्या होगा? ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों डिफ्लेक्शन शो करेगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो वहां पर डिफ्लेक्ट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के एनोड रेज रेज नहीं होती, ये तो पार्टिकल्स होते हैं, ये तो प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और लव्स प्रोटॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्ट द नेम प्रोटॉन, के प्रोटॉन को नाम दिया, लव्स जो प्रोटॉन है, ये जो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नेम प्रोटॉन दिया गया, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया? क्या ये गोल्डस्टीन ने दिया? गोल्डस्टीन ने दिया, ऑप्शन डी आपको दे सकता है। जी जे स्टोने ने दिया, ऑप्शन सी आपको दे सकता है। जे जे थॉमसन ने दिया, और ऑप्शन डी नॉट एनीवन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? डी, कि जे जे थॉमसन ने भी नहीं, जी जे स्टोने ने भी नहीं, गोल्डस्टीन ने भी प्रोटॉन का नाम नहीं दिया। प्रोटॉन का नाम किसने प्रोवाइड किया या दिया? तो प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया, जिनका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।